हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी डर्माको के नियासिनेमाइड सीरम्स का रिव्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे मेरे पास डर्माको के दो सीरम्स है, दोनों ही 10% नियासिनेमाइड सीरम है, बट इसमें कुछ डिफरेंस है जो कि आज मैं आपसे शेयर करूँगी। सो सबसे पहले बात करते हैं इस सीरम की। सो ये डर्माको का सबसे पहला नियासिनेमाइड सीरम है। सो नियासिनेमाइड आखिर होता क्या है? नियासिनेमाइड जो है वो आपके एक्ने को और एक्ने मार्क्स को रिमूव करने में हेल्प करता है और ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है। सो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है नियासिनेमाइड, विटामिन B3, जिंक एंड फ्रेग्रेंस। एंड इस सीरम का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है सीका वाटर, नियासिनेमाइड एंड जिंक। इसमें जो सबसे अच्छी बात है, फ्रेग्रेंस नहीं ऐड है और यही इसका प्लस पॉइंट है। सो इसमें डिफरेंस क्या है? जो इसका ओल्ड वर्जन है उसमें विटामिन B3 है एंड जो न्यू है इसका उसमें सीका वाटर है, प्लस ये फ्रेग्रेंस फ्री है जबकि इसमें फ्रेग्रेंस ऐड है। सो बात कर लेते हैं इसकी कंसिस्टेंसी की। सो इसका जो ओल्ड वाला है उसकी कंसिस्टेंसी कुछ वाटरी ही कंसिस्टेंसी है, ज़्यादा हैवी फील नहीं होगा और बहुत ही अच्छे से ये एब्जॉर्ब होता है स्किन में। सब बात करते हैं न्यू वाले कंसिस्टेंसी की। सो इसका भी सेम ही कंसिस्टेंसी है, ये भी बहुत ही अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब होता है एंड दोनों से ही आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें फ्रेग्रेंस ऐड है तो आपको कुछ हैवी फील होगा या फिर आपके स्किन में इरिटेशन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छे से दोनों ही वर्क करता है, पर फ्रेग्रेंस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ये आपके स्किन को धीरे धीरे डैमेज करने लगता है एंड किसी किसी का स्किन टाइप तो ऐसा होता है कि उन्हें फ्रेग्रेंस सूट ही नहीं करता। जैसे मेरा है, मैं ज़्यादा हैवी फ्रेग्रेंस का कुछ भी यूज़ नहीं करती, मैं बहुत ही लाइट फ्रेग्रेंस का यूज़ करती हूँ एंड मुझे पर्सनली डर्माको के प्रोडक्ट इसीलिए पसंद है क्योंकि इसमें बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस ऐड है। और अभी तो इसका न्यू सीरम भी लॉन्च हो गया है बिना फ्रेग्रेंस वाला, सो आई लाइक इट। सो ये सीरम मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया क्योंकि इसमें फ्रेग्रेंस ऐड नहीं है एंड या आप भी ट्राई कर सकते हो आपको अगर फ्रेग्रेंस से ज़्यादा प्रॉब्लम है। एंड मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप कोशिश करें कि आप बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस, अगर फ्रेग्रेंस ऐड कर रहे हो अपनी स्किन केयर में तो बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस वाला प्रोडक्ट्स यूज़ करें। सो इस सीरम को यूज़ कैसे करना है? आप मेकअप से पहले भी यूज़ कर सकते हो एंड डे एंड नाइट बोथ टाइम आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप डे में यूज़ कर रहे हैं तो आप सीरम अप्लाई करें, उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें एंड देन सनस्क्रीन अप्लाई करें। अगर आप नाइट टाइम में अप्लाई कर रहे हो तो सीरम प्लस मॉइस्चराइज़र, बस इसी दोनों को ही अप्लाई करें। सो आई होप आप लोगों को इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा एंड मेरा सजेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसे ट्राई करते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगा। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।